नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आज छठे चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके तहत सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट पर सुबह से मतदान हो रहा है, जिसकी झलक प्रयागराज में भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भी केसरवानी धर्मशाला में मतदान किया है। साथ ही जनता से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को साकार करें। मतदान में मतदान किया, कितने उम्मीद है आपको, कितनी सीटें आएंगी, किस तरीके का आज यहाँ पर लहर चलेगी? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी चल रहा है। आप विपक्षी पार्टियों के बयान सुनेंगे तो वो कहते नहीं 400 बार नहीं होंगे, इन सभी हार को पहले ही मान चुके हैं। तो सबका केवल ये है कि 400 पार न करने पाए, निश्चित रूप से ये सब हार मान चुके हैं। ऐसे दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती, हवाबाई घोषणा पत्र, जैसे अभी अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। आप सोचिए कि कभी भी किसी रीजनल पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना अकेला घोषणा पत्र जारी किया जिसके लिए दो चार सांसद न हो, तो वो करेंगे कैसे? करेंगे तो ये उनका घोषणा पत्र ऐसे ही, जैसे मुर्गा यह दावा करे कि वो अंडा देगा, बैल वह दावा करे कि वो दूध देगा, उसी तरह से है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, अपराधियों का समूल नाश, अपराधी जो अपराध करते हैं कुछ दूर चले गए, कुछ बहुत दूर चले गए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकास और विरासत दोनों को सजोने का काम किया है, संवारने का काम किया है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। आज सैन्य शक्ति भी हमारी ऐसी है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम घुस करके मारने का भी काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आज सारे माननीय सभी लोग किसी पक्ष में और बड़ी साथ साथ निकल रहे हैं वोट डालने के लिए कि अब की बार चार प्रयागराज की जनता का क्या मानता है? प्रयागराज की जनता निर्भर त्रिपाठी जी को हमारी बहुत चाहिए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।